अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट मिसेस माजिद किचन एंड व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक हूँ। सो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच उन लोगों का जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरी वीडियोज़ को फुली और पंचली वॉच कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और जो न्यू है मेरे चैनल पर, जो मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने लगी हूँ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत ही मज़े की डिश है, बहुत ही मज़े का फूड है जो कि आप हर कोई लाइक करेगा, और वो है शवरमा। और जो शवरमा के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स वो मैंने लिए हैं, 1/2 kg मैंने बोनलेस चिकन लिया है जो कि मैंने छोटे छोटे चंक्स करके वो मैंने इस तरीके से कर लिए थे, और कुछ मैंने एक फिले भी रखे हैं, 2 मैंने इसमें फिले की तरह रखे छोटे छोटे से कि वो बर्गर वगैरह कभी यूज़ करना हो तो हम यही चीज़ उठा के मैरिनेट किया हुआ हम उसमें डाल सकें। सो उसके बीच अदरक लहसुन की पेस्ट लगा के हमने ये सब इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, जो कि है 1/2 teaspoon मैंने गरम मसाला लिया है, 1 teaspoon खुश्क धनिया, 1 teaspoon ही नमक, 1 teaspoon ही रेड चिली पाउडर है, और 1/2 teaspoon जो होता है हल्दी पाउडर लेंगे, और 1/2 teaspoon ही हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। देन हम इसमें ऐड करेंगे जो हैं सॉसेस, जो के हैं चिली सॉस और विनीगर सॉस यानी कि सिरका। जो चिली सॉस है वो 2 tablespoons हम ऐड करेंगे, और जो विनीगर सॉस है उसमें हम ऐड करेंगे 1.5 tablespoons। ये 2 sauces हैं, सोया सॉस इसमें ऐड नहीं करेंगे। देन हम इसमें ऐड करेंगे ये स्पाइसेस और जो सॉसेस थी और जो अदरक लहसुन की पेस्ट थी, इस चिकन के बीच ऐड करेंगे, और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे कि जो भी चंक्स है, जो भी चिकन का पीस है उसके बीच अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए उस, और हम इसे मैरिनेट करके 2 to 3 hours के लिए रख देंगे। तब तक कि आप जो भी इसके बाकी के इंग्रेडिएंट्स वगैरह रेडी करने में आप कर सकते हैं। हम इसको मैरिनेट करके हम 2 weeks के लिए हम इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, और अगर 2 to 3 days के लिए अगर आपने बनाना है तो आप इसको नीचे फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें, मैंने अच्छे तरीके से मैरिनेट करके जो चंक्स थे, जो फिले भी थे, उन सबको अच्छे तरीके से मैरिनेट किया है, और इसको मैरिनेट करने के बाद हम इसको रख देंगे 2 to 3 hours के लिए एक साइड पे। तब तक के लिए हम इसके रेडी कर लेते हैं इंग्रेडिएंट्स वगैरह। जैसे कि मैंने कहा था, जो इसके बीच मैंने यूज़ किए थे वेजिटेबल्स, वो मैंने जस्ट इसमें कोकम्बर यूज़ किया है और कैबेज यूज़ किया है, जो कि मैंने इसको इस तरीके से कटिंग किया है। जो कोकम्बर है उसको मैंने बारीक बारीक लाइन्स में कटिंग किया, और जो जैसे आप कैबेज कटिंग करते हैं आप वैसे ही कर। देन है मिर्च के बीच जो सॉस वगैरह यूज़ होती है वो इस तरीके से रेडी करें कि यहाँ पे मैंने 1 tablespoon चिली फ्लेक्स वाली मैंने इसमें केचप यूज़ की थी, देन मैंने इसमें 3 to 4 tablespoon मैंने मायोनीज ऐड किया था, और जो मायोनीज थोड़ी सी थिक होती है तो इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध के, हम इस ये थोड़ी सी थिन लेयर में आ जाए, मतलब कि ज़्यादा थिक ना हो। देन इसमें 2 pinch salt और 1/2 teaspoon के बराबर हम ब्लैक पेपर ऐड करके हम अपने सॉस को रेडी कर लेंगे, और अच्छे तरीके से इसको कर लेंगे मिक्स। इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स करने के बाद हम इसको भी कर लेंगे मिक्स, और जो हमारे मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो इस तरीके से कुछ रेडी हुआ था मैरिनेट करने के बाद, सो इसको हम कर लेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 tablespoon यहाँ पे फ्राई पैन में मैंने ऑयल यूज़ किया है, और ये मैंने शवरमा बनाने के लिए चिकन इतना यूज़ किया है, आपकी मर्ज़ी, आप जितना मर्ज़ी चिकन यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे तरीके से कर लिया था फ्राई, और फ्राई करने के बाद हम इसको करेंगे इसकी टॉपिंग जो ब्रेड वगैरह की होगी। सो जो इसकी ब्रेड थी उसके ऊपर मैंने सबसे पहले ऐड की थी मायोनीज की हुई जो सॉस थी, उसको पहले मैंने नीचे इस तरीके से थिन लेयर में मैंने स्प्रेड किया है, और उसके बाद इसके जो कॉर्नर्स भी है वहाँ पे भी आप अप्लाई कीजिएगा कुछ इस तरीके से। सो इसको अप्लाई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिकन जो कि हमने फ्राई किया था। फ्राई की हुई जो चिकन है हम उसकी जो लेयर लगाएंगे वो हम इसकी फिलिंग जो करेंगे हम इसके सेंटर में करेंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर ही हम ऐड करेंगे सलाद इसका जो हमने बनाया था कैबेज और ककम्बर का, इसके वो भी हम इस तरीके से सेंटर में ही रखेंगे स्प्रेड करेंगे, और उसके बाद जो इसकी जो मैंने मायोनीज की सॉस बनाई हुई थी वो हम ऐड करेंगे, वो भी हम ऊपर ही लेयर में करेंगे, सेंटर में आप ज़्यादा रखें, नीचे आप बेशक बिल्कुल हल्की सी कर दें लेकिन सेंटर में आप रखें, टॉप में भी ना रखें ना एंड में रखें। इस तरीके से हमारी होगी है फिलिंग, और अब हम कर लेंगे इसको रैप।
अगर आपके पास शीट है तो रैपिंग शीट में आप कर ले। वैसे हम मैंने रैप नहीं किया था, सो इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड करके टूथपिक्स के साथ मैंने इसको लॉक कर दिया था। तो ये है हमारे शवारमे जो के हो चुके हैं रेडी। सो कैसे लगे मेरे शवारमे की रेसिपी, सो कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और जिस जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी लाजमी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Je peux t'attendre, je réponds pas quand t'as le temps. Il faut pas que j'arrive dans la...